अच्छा जी चले जी हम अपना सेशन शुरू करते हैं मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस एन ऑप्शनल सब्जेक्ट काफी जी बहस हो चुकी है काफी लोग परेशान हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करें ना करें uh, क्या करें इसके बारे में uh, मैं हमेशा कहता हूं कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट uh, जो होता है उसकी निशानी यह होती है कि वो अपने मेंटोर के पास

आपकी क्लैरिटी दू कि वॉट आर द पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव ऑफ आई आर है क्या ताकि आपकी जो है वो क्लैरिटी uh, हो जाए और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है uh, वो जो है वो दूर हो जाए इट इज ऑल अबाउट यू मैं सब कुछ बताऊंगा सबर करो अच्छा जी पॉजिटिव्स के ऊपर आ जाए इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ठीक है जी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉजिटिव्स क्या है रिलेश की जो है वो बड़ी अच्छी ओवरलैपिंग है इंग्लिश एस ए के साथ करंट अफेयर्स के साथ इंटरनेशनल लॉ के साथ और यूएस हिस्ट्री के साथ अच्छा आप में ये ऐसे नहीं कह रहा कि बस मैं ये कह दूं और आगे बढ़ जाऊं मैं जो भी बात कि सेशन में करता हूं या अपने कोर्स के अंदर करता हूं उसको मैं सब करता हूं विदाउट प्रूफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ता चले जी आपको दिखाते हैं कि किस तरह ओवरलैपिंग है ये देखिए जी मेरे पास इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस है अगर आप आईआर पेपर वन में देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल इकोनॉमी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आई आर टू में देखें तो टू वर्ल्ड वॉर्स कोल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर अगेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी पूरा साउथ एशिया न्यूक्लियर नॉन पोरिफ्रेशन इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन कश्मीर और पैलेस्टाइन इशू यह है आपका आई आर का कोर्स मैं सिर्फ जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कैसे करंट अफेयर्स के कोर्स के ऊपर आए अगेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल पोलिटिकल इकॉनमीर ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर जाए ये पूरे रिलेशन यानी एक्स का जो आपका करंट अफेयर का पेपर है वो पूरा इंटरनेशनल रिलेशन से ओवरलैप कर रहा है लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर में टेक्निक में फर्क है वो मैं आपको बताऊंगा कि में क्या फरक है। लेकिन दोनों की 80 की एक ही जैसी होगी। अगर आप पाकिस्तान इंडिया प्रिपेयर कर रहे हैं आईआर के अंदर तो आपको करंट अफेयर्स में दोबारा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है में आपकी डिफरेंट होगी जो मैं आपको बताऊंगा क्या होगी और आईआर में क्या होगी यहां पर जो मैं अपना पॉइंट जो है वो स्टैब्लिश uh, करना चाह रहा हूं कि 80 मार्क्स का का करंट अफेयर्स पेपर पूरे IR पे, IR के पेपर से जो है वो ओवरलैप कर रहा है मैं इसके पांच पेपर भी दिखाऊंगा लेकिन पहले मैं आप यूएस हिस्ट्री पर चलता हूं यूएस हिस्ट्री के ऊपर आए आप यूएस रोल इन टू वर्ल्ड वॉर्स वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू इंटर वॉर पीरियड अगेन आई आर टू का अगर आप पेपर देखें यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स पूरा आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर आए फिर आप, आपके पास अमेरिकन रोल इन कोल्ड वॉर एंड एमरजेंसी सुपर पावर अगेन पूरी कोल्ड वॉर यहां पर भी पूरी कोल्ड वॉर है इसके बाद अगर आप देखें इंटरनेशनल कंसर्न ऑफ यूएस वॉर ऑन टेरर यानी पोस्ट कोल्ड वॉर का सीनेरियो यहां पर अगर आप आए तो पोस्ट कोल्ड वॉर यहां पर आपको पूरा सिनेरियो नजर आएगा ठीक है जी तीसरा सब्जेक्ट है जी हमारे पास इंटरनेशनल लॉ यह है इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस अगर आप आईआर के सिलेबस में जाएं तो आईआर में बाकायदा एक अलग से पोर्शन है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ का पोर्शन ठीक है यह देखिए जी इंटरनेशनल लॉ यहां पर आप आए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ठीक है जी पहला पॉइंट यहाँ पे स्टेब्लिश कर रहा हूं कि आईआर की ओवरलैपिंग है करंट अफेयर्स के साथ यूएस हिस्ट्री के साथ इंटरनेशनल लॉ के साथ सिलेबस से मैंने ये पॉइंट आपको स्टेब्लिश किया अब जरा पास पेपर्स देख लेते हैं ठीक है कुछ पास पेपर्स को देख लेते हैं कि क्या है जी पास uh, पेपर्स में भी ऐसे सवाल है या नहीं है चले जी पास पेपर्स के ऊपर मूव करते हैं यहां पर देखें जी क्रिटिकली एवेलुएट यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी अगेन इंटरनेशनल रेशंस का पेपर है यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी आई आर का पेपर कौन सा है ये जी दो हजार बीस का पेपर है इंडो पैसिफिक पॉलिसी यहां पर भी आपको मिलेगी करंट अफेयर्स का पेपर देखेंगे वहां पर भी मिलेगी यूएस हिस्ट्री का पेपर देखेंगे वहां पर भी मिलेगी इंडियन ओशन के ऊपर सवाल आया हुआ है अगेन अगर आप करंट अफेयर्स देखें इंडियन ओशन जो है वो करंट अफेयर्स का भी पार्ट है ठीक है जी यहां पर अगर आप आए अगेन यहां पर रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अगेन ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अगेन अगर आप रिलेशन देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन आपने करंट अफेयर में भी पढ़ने मैं आपको पूरी यहां करके बता रहा हूं चले जी, दूसरा पेपर देख लेते हैं दो हजार उन्नीस का डिस्कर्ब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा करंट अफेयर पे जाए इंटरनेशनल सिक्योरिटी ग्लोबल इश्यूज के अंदर पहला टॉपिक है आई आर में इसके ऊपर सवाल आया हुआ है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी के ऊपर सवाल आया हुआ है करंट अफेयर्स में जाए न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी करंट अफेयर्स का पार्ट है अच्छा जी आईएमएफ अगेन करंट अफेयर्स के अंदर आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी होती है कोल्ड वॉर इज कंसीडर्ड यूएस हिस्ट्री का कोल्ड वॉर है पॉइंट सार्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल आया हुआ है करंट अफेयर्स में देखें अगेन आपने सार प्रिपेयर करना है तो ईच एंड एवरीथिंग जब यहां पर मौजूद है तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग है करंट अफेयर्स के साथ यूएस हिस्ट्री के साथ तो बच्चे इसको ऑप्ट करने में क्यों जो है वो कंफ्यूज्ड होते हैं अच्छा जी 2018 का पेपर मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अगेन करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का हिस्सा है रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पे सवाल आया हुआ है अगेन आप करेंट अफेयर पाकिस्तान तो आपको पाकिस्तान इंडिया का टॉपिक यहां पर मिलेगा ठीक है बताने का मकसद ये मैं पॉइंट स्टेब्लिश कर रहा हूं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं कि जय जी यहां पर रिलेशन है और ओवरलैपिंग होती है नहीं जी आपके सामने दो हजार सत्रह का पेपर देख लेते हैं जी

न्यूक्लियर पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स का हिस्सा है मैंने आपको यहां पे दिखाई न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया चैलेंजेस फेसिंग अफगानिस्तान टूडे डीलिंग विद अफगान तालिबान पूरा अफगानिस्तान का टॉपिक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा करंट अफेयर्स का जो अफगानिस्तान को प्रिपेयर नहीं करेगा ठीक है ना तो कहने का मकसद यह है कि आपके सामने है ओवरलैपिंग 2016 का पेपर देख लें आखिरी अगेन अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन सऊदी अरब मिलिट्री अलाइंस करंट अफेयर्स का वो भी एक हिस्सा है सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्योरिटी टू स्टेट मैंने अगेन आपको दिखाया इंटरनेशनल सिक्योरिटी करंट अफेयर्स का एक पॉइंट है तो पहला पॉइंट यहां पर ये स्टेब्लिश हो गया कि करंट अफेयर्स के 80 मार्क्स जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से पूरे अलाइन कर रहे हैं हर तरीके से वो अलाइन ओवरलैप यहां पर हो रही है जी अच्छा दूसरा सब्जेक्ट मैंने यूएस हिस्ट्री का बताया आपको प्रूफ किया कोल्ड वॉर पे सवाल है वर्ल्ड वॉर्स पे क्वेश्चन है तीसरा मैंने बोला इंटरनेशनल लॉ अगेन आईआर का पेपर है जी यहां पर आपके सामने 2016 का सवाल आया भाई डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर जिसका आई, आई लॉ होगा उसको ये सवाल अलग से करने की जरूरत नहीं है वो डिफाइन इंटरनेशनल करें और उसकी नेचर बताएं इसी तरह 2018 का आप, 18 का 18 अगर आप पेपर देखें यहां पर तो 18 में अगर आप यहाँ पे देखें तो सेल्फ इन इंटरनेशनल लॉ अगेन इंटरनेशनल लॉ का सवाल है कहां पर आया इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर तो कहने का मकसद यह है पूरा पॉइंट यहां पर प्रूफ किया है कि इंटरनेशनल रिलेशन थ्रो इट इज comprehensive सब्जेक्ट बट 80% करंट अफेयर्स के मार्क्स भी इसके अंदर शामिल है इंटरनेशनल लॉ का 50 से 60% इसके अंदर शामिल है यानी अगर आप आईआर को बड़ा अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स यूएस हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे करंट अफेयर्स तो 80% प्रिपेयर हो जाएगा यूएस हिस्ट्री में आपकी वर्ल्ड वॉर्स कोल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर प्रिपेयर हो जाएगा और इंटरनेशनल लॉ अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंटरनेशनल लॉ का जो पार्ट आई में वो आपको दोबारा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनपुट कम देना है आउटपुट ज्यादा से ज्यादा लेना है ये है हमारी स्ट्रेटेजी सी एस के अंदर चले जी एसे के ऊपर दिखाता हूं मैं क्या एस में ऐसा है जी बिल्कुल है एसे के पास पेपर्स को देखते हैं जी 2020 का ऐसे का पेपर अगर आप देखें पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज जिस बच्चे का इंटरनेशनल रिलेशन होगा इसके अंदर बड़ा एक थ्योरेटिकल के साथ बात कर सकता है अच्छा टेन पॉइंट देखे आई एम बेल आउट रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपी फॉर डिजास्टर यहां पे पूछ रहा है कि जो आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस होते हैं वो रोड टू स्टेबिलिटी है या ये डिजास्टर के लिए है या इसके मकसद या इसके इंटीरियर जिसको हम बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट या अल्टीरियर कुछ दूसरे होते हैं जिस बच्चे का इंटरनेशनल रिलेशन है ना तो इंटरनेशनल रिलेशंस के परस्पेक्टिव को यूज करते हुए इस ऐसे को बड़ा अच्छा लिखेगा जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी उसके अंदर ये थ्योरीज ऑफ इंपीरियलिज्म न्यू इंपीरियलिज्म डिपेंडेंस न्यू मार्क्सिज्म की थ्योरीज को यूज करते हुए इस ऐसे को बड़ा अच्छा लिख सकता है आइदर रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपी फॉर डिजास्टर न्यू इंपीरियलिज्म का जो मॉडल है या जो डिपेंडेंस थ्योरी है या जो न्यू मार्क्सिज्म है उसके स्कूल ऑफ थॉट को आगे बढ़ाते हुए इस पॉइंट को प्रूफ करेगा लेकिन जिस बच्चे का इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है वो एक ऑर्डनरी सी बात नहीं करेगा जो एक लेमैन कर रहा होता है दो ऐसे मैंने आपको यहां पर बताए चले जी, दूसरे पॉइंट पे 2019 2019 के ऐसे में चलते हैं। 2019 जी, पर इन इकोनॉमिक जो अगेन प्योरली इंटरनेशनल रिलेशन का एक ऐसे है कि न्यू वॉर जो है वो आपकी इकोनॉमी के बैटल ग्राउंड में लड़ी जा रही है जिसका इंटरनेशनल रिलेशन है वो पूरी जो है वो ट्रेड वॉर का इसके अंदर जो है पर्सपेक्टिव देगा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का परफेक्ट पर्सपेक्टिव देगा रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इकोनॉमिक सेंस में किस तरह फॉलो होता है वो पर्सपेक्टिव देगा फिर इंडो यूएस चाइना की कोल्ड वॉर की बात करेगा या बीआरआई विसेस ब्लू डॉट नेटवर्क का जो इशू है उसकी बात करेगा पूरा एक पर्सपेक्टिव क्लियर करेगा यहां पर अच्छा नीचे आए

आईटी को किस तरह यूज किया था किस तरह प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया था यहां पर वो पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है 2017 में आए जी आए के अंदर के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड सेशन इंपैक्ट सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन रीजन एंड वर्ल्ड अगेन अगर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन है आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं सीपैक को आपने बड़ा डिटेल के अंदर कवर किया होगा के के अंदर पोर्शन से रिलेटेड नीचे आए अगेन आपको कि अगेन सत्रह का ऐसे ब्रेग्जिट मीन ग्लोबलाइजेशन पूरा आई का टॉपिक है जिस बच्चे का आई नहीं है वो ऐसे अटैम नहीं कर सकता मोर एंड मोर मिलिट्री एंगेजमेंट बाई यूनाइटेड नेशन यूएन के ऊपर पूरा एक ऐसे है उसकी मिलिट्री इंगेजमेंट्स का जिसके पास आईआर और इंटरनेशनल लॉ है बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव के थ्रू आसानी से ये question, ये क्वेश्चन ऐसे देखें नेशनलिज्म के ऊपर है पूरा नेशनलिज्म का जो टॉपिक है आईआर का पूरा एक पार्ट है जिसके अंदर नेशनलिज्म भी पढ़ते हैं उसका परस्पेक्टिव भी पढ़ते हैं अगेन यहां पर बहुत मदद करेगा लास्ट ऐसे देख लेते हैं

तो आपने ये न्यू डिपेंडेंस की और न्यू मार्क्सिज्म की को सोशल इसके स्कूल ऑफ थॉट को लेके प्रूफ करना होगा कि भाई फॉरेन एड रेसिपी टूवर्ड्स डिजास्टर ठीक है तो हमारी प्रेजेंटेशन का जो पहला पॉइंट था अगर हम दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएं कि इट हैज ओवरलैपिंग विद एसे इट हैज ओवरलैपिंग विद एसे करंट अफेयर्स इंटरनेशनल लॉ एंड यूएस हिस्ट्री तीनों चीजों के बारे में ना सिर्फ मैंने बताया बल्कि मैंने प्रूफ किया ठीक है मैंने प्रूफ किया कि यहां पर जो है वो किस तरह चीजें मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट है जी इट्स गिव थ्रेटिकल परंटेप्रेरी स्ट्रेटेजिक

उसी टाइम के ऊपर क्यों यूएस ने ट्रेड वॉर को इनिशिएट किया क्या वजह है इसके पीछे पहला रीजन पहला एक क्वेश्चन है। दूसरा बात क्या यूएस और चाइना मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते क्या यूएस चाइना के बीच में कोई मिलिट्री वॉर हो सकती है या नहीं हो सकती यह भी एक क्वेश्चन है अब देखेंगे कंटेम्प्री है इसका जो थ्योरेटिकल है ना वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन प्रोवाइड करेगा आपकी स्ट्रेटेजिक वाइडन करेगा कैसे मैं आपको बता देता हूं इंटरनेशनल रिलेशन कहेगा कि जब भी स्टेटस को पावर को एक राइजिंग पावर उसकी पोजीशन को इंडेंजर करती है जुपिडाइज करती है तो वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ या रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल स्टेटस को पावर कौन सी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइजिंग पावर कौन सी है चाइना जब तक चाइना ने यूएस की ग्लोबल पोजिशन को इम्पैक्ट नहीं किया था चैलेंज नहीं किया था तब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो चैंपियन था लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का ओपन ट्रेड का फ्री ट्रेड का जैसे ही उसने देखा कि उसकी पोजीशन खतरे में पड़ गई एज अ ग्लोबल लीडर वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की तरफ चला गया वो टेरिस के ऊपर चला गया कोटास के ऊपर चला गया ताकि अपनी इकोनॉमी को भी इंसेंटिव दिया जाए और दूसरे की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया जाए अच्छा फिर क्या यूएस और चाइना मिलिट्री वॉर की तरफ जा सकते हैं आप लोग बोलेंगे यस कुछ लोग बोलेंगे नहीं इंटरनेशनल लॉ आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देगा वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि आई की थ्यूरी कहती है कि जब भी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होगी वहां पर वॉर के चांसेस कम हो जाएंगे जब भी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ज्यादा है वॉर के चांसेस कम हो जाएंगे यूएस और चाइना के दरमियान कितने भी रिलेशन स्ट्रेन्स्ड सही दोनों की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस तकरीबन 600 बिलियन डॉलर की है इकोनॉमिक ट्रेड 500 से 600 बिलियन डॉलर का है तो दोनों की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ज्यादा है कि वॉर विल बिकम इंटरनिसाइन फॉर बोथ द नेशंस दैट इज व्हाई वहां पर मिलिट्री क्लैश के चांसेस क्या है कम है इसी तरह आप अगर आप देखें फॉर uh, इंस्टेंस आप अगर आप कंटेम्प्रेरी रिलेशन को देखें कंटेम्प्रेरी तो आपको पूरी दुनिया में राइज ऑफ नेशनलिज्म और राइज ऑफ फैशिज्म तो नहीं खैर फैशिज्म स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी पॉपुलिज्म या नेशनलिज्म नजर आएगा uh, अगर आप चले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से तो आपको ट्रंप वहां नजर आएंगे अगर आप फ्रांस में जाए तो आपको मिस आपको नजर आएंगी ठीक है उनकी पार्टी है जिसको हम नेशनल फ्रंट ऑफ फ्रांस भी कहते हैं। या जर्मनी में आप जाए तो ऑल्टरनेटिव टू जर्मनी की पार्टी आपको नजर आएगी राइज करते हुए जो कि नेशनलिस्ट पार्टी है आप साउथ एशिया में आए आपको इंडिया में आरएसएस या नरेंद्र मोदी नजर आएंगे नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ करते हुए एडॉप्शन करते हुए आप अगर यहाँ फिलीपींस में जाए तो आपको रोड्रिगो ड्यूटेस नजर आएंगे टर्की में आपको उर्दगान रशिया में प्यूटिन चाइना में जीजिंग में आप जाए तो आपको नजर आएंगे ये ये तमाम लीडर्स जो हैं नेशनलिस्ट लीडर्स हैं ये पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं इवन आपके अपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट लीडर है अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक क्या हुआ पूरी दुनिया में कि एकदम न्यू सर्ज आई है नेशनलिज्म की

क्यों पूरी दुनिया में इस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्यों ग्लोबलाइजेशन एक आम जब तक वो इंटरनेशनल रिलेशन का जो है वो पढ़ा हुआ स्टूडेंट ना हो जब तक उसको थ्योरेटिकल पोर्शन पता ना हो अगर वो आई का बच्चा है तो उसको पता है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाकर वहां से एग्जाम्पल उठा के अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करेगा वो बोलेगा कि 1930s को उठाओ तो वहां पर हम देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन आया था इकोनॉमिक रिसेशन आया था जब भी इकोनॉमिक रिसेशन आता है जब भी टेंजिबल जो नीड्स हैं लोगों की वो खतरे में पड़ जाती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नीचे आने लग जाता है लोग जिबल चीजों को यानी लिबरल स्कूल ऑफ ऑफ थॉट फ्रीडम एक्सप्रेशन रिलीजियस राइट आपको ओपन फ्री ट्रेड जैसी चीजों को importance नहीं देते वो टेंजिबल चीजों को देने लग जाते हैं हमारे वेजेस कितने हैं हमारे लाइफ स्टैंडर्ड कितना है हमें जॉब मिल रही है नहीं मिल रही दैट्स उसी दौर में आपको नेशनलिस्ट या पॉपुलिस्ट पार्टीज का ट्रेंड ज्यादा नजर आएगा अगर आप नाइनटीन थर्टीज का देखें ग्रेट डिप्रेशन आया पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन है आपको सर्ज ऑफ नेशनलिज्म नजर आएगा इन द द फॉर्म फॉर्म ऑफ ऑफ इन हिटलर यहां पर अगर आप देखें सिनेरियो में 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया उसके बाद से अभी कोविड 19 ने एक ग्लोबल इकोनॉमी को मजीद एक्सेसरबेट कर दिया सिचुएशन को तो अगेन आप देखें आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म नजर आ रहा है पूरी दुनिया में आपको ब्रेक्सिट होता हुआ नजर आएगा आपको स्लोगन्स मिलेंगे कि वी वांट द कंट्रोल ऑफ आवर बॉर्डर्स बे आपको अखंड भारत जैसे स्लोगन्स मिलेंगे ठीक है वी वांट आ, अमेरिका फर्स्ट जैसे स्लोगन्स मिलेंगे क्यों है जी मैंने आपको वजह बताई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को कनेक्ट करेगा आईआर का बच्चा ठीक है तो पहला पॉइंट ओवरलैपिंग दूसरा पॉइंट इंटरनेशनल रिलेशंस आपको दुनिया में जो भी हो रहा है ना सिर्फ उसकी कॉजेस बताएगा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ बल्कि इट कैपेसिटेट्स यू टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इट कैपेसिटेट्स यू टू डेलिनेट द प्रोस्पेक्ट्स आप प्रोस्पेक्ट्स बड़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं आप फ्यूचर बड़ी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ

जब आपको ये सब चीजें पता चलती रहेंगी कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है और क्या होगा अगर ये सब चीजें पता चल कि हैपन इन फ्यूचर तो जाहिर बात है आपके इंटेलेक्चुअल होराइजन आपके क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो दूसरों से बेहतर हो जाएगा ठीक है वो किससे बेहतर हो जाएगा वो दूसरों से बेहतर हो जाएगा सो दीज आर दॉजिटिव

यहां यूएस हिस्ट्री में आओ यूएस हिस्ट्री में यहां पर वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू कोल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर वॉर ऑन टेररिज्म यूएस यूएस ऑफ 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 इंटरनेशनल यूनाइटेड अमेरिका अगेन से ओवरलैप कर रहा है इंटरनेशनल लॉ में आओ अगेन ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट नेचर ओरिजिन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाला पार्ट आई आर से ओवरलैप कर रहा है तो अगर आप ओवरलैपिंग वाला एलिमेंट को कीपिंग इन व्यू करते हुए Slippers को देखें इंटरनेशनल रिलेशन को तब वो लेंथी नहीं कहलाएगा हाँ सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप सब्जेक्ट uh, को देखेंगे तो वो एक लेंथी लेंथी है बट अगर आप ओवरलैपिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करके देखेंगे तो नहीं है फिर तो काफी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी यहाँ पे आप देखें कंटेम्प्रेरी आई आर वेपन मासन आई आर यहाँ पर मैंने मतलब करंट अफेयर कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर ये पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट साउथ एशिया वाला करंट अफेयर्स का पार्ट

सिर्फ पोस्ट कोल्ड वॉर और फॉरेन पॉलिसीज ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज प्योर पार्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का इसके अलावा आप देखो तो पूरी यूएस हिस्ट्री और करंट मैंने प्रूफ कर दिया अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे आई आर लेंथी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ आई आर के सिलेबस को देखना चाहते हैं तो यस इट इज ये सब्जेक्ट सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई आर में जी रट्टा नहीं लगेगा पहले ही बता दू आई आर में रूट लर्निंग नहीं हो सकती इट डिमांड्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर आपके लिए यह चीज मुश्किल है आईआर से दूर रहो बट मेरे लिए यह चीज हमेशा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी आई एम बेसिकली एन इंजीनियर तो हमारा मुझे तो रट्टा वैसे ही नहीं लगता था तो बीइंग एज़ अ स्टूडेंट ऑफ आईआर जब मैंने सीएसएस में ऑप्ट किया मेरे लिए तो एक बड़ा अच्छी चीज थी कि मुझे उसके अंदर समझना था और एक दफा चीज समझ में आ गई तो मैं इसको करंट अफेयर में भी यूज कर सकता था ऐसे में भी यूज कर सकता था इंटरनेशनल लॉ में भी और यूएस हिस्ट्री के अंदर तो मेरे लिए ये पढ़ाऊंगा बट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर चाहिए बट अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर आप बाकी चीजों को समझना चाहते हैं तो इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर

Accords, अगर मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए बहरेन और यूएई आफ्टर इजिप्ट और जॉर्डन के बाद दो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल को रिकॉगनाइज किया आपको पता होना चाहिए आप उसके ऊपर लिख पाए कि वो अब्राहम मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी को किस तरह इंपैक्ट करेंगे ठीक है नगरानो काराबाग के अंदर एक अगर इश्यू चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका परस्पेक्टिव क्या है पाकिस्तान की पोजिशन क्या है और ये किस तरह कनेक्ट होता है So you have to aware of the recent आपको पता होना चाहिए तो आप बता सकेंगे अच्छा, तो तो इंडो पैसिफिक रीजन में क्या होगी मिडिल ईस्ट में क्या होगी पता होना चाहिए

जिस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं उसका एवरेज स्कोर कम आता है ठीक है जिस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं उसका स्कोर कम आता है मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू आर आर स्टूडेंट ऑफ नेचुरल साइंस बिजनेस ग्रेजुएट आई आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप एकेडमिक बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट ऑप करें फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग हो गया आपके पास कंप्यूटर साइंस हो गया आप इस तरह के सब्जेक्ट ऑप कर लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आते तो फिर आपके पास सिर्फ दो सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है आइदर फॉर पॉलिटिकल साइंस आइदर यू गो फॉर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन अब मसला क्या है बच्चा जो पॉलिटिकल साइंस और आई के दरमियान कन्फ्यूज है वो अपनी कंफ्यूजन किस तरह हल करे मैं आपको बता देता हूं देखिए जी अभी हमने पांच बजे पॉलिटिकल साइंस का सेशन लिया आप लोग पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन करें तब भी हमारे पास आएंगे आई आर ज्वाइन करें तब मेरे पास आएंगे तब भी हमारे पास आएंगे आई आर मैं पढ़ाऊंगा पोलिटिकल साइंस सर र्ला करेंगे लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ अगर आपके की को इंटरेस्ट है करंट अफेयर में अगर आपका क्यूरियस माइंड है कि दुनिया में जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही है वो क्यों हो रही है अगर आपका क्यूरियस माइंड है कि क्या होने जा रहा है तो आई आर इज बेस्ट फॉर यू इज जस्ट लाइक heaven for फॉर यू अगर आपकी इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स करंट contemporary happenings, सिक्योरिटी scenarios, न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स ठीक है अगर आपका ये इंटरेस्ट नहीं है अगर आपका इंटरेस्ट ये चीज नहीं है और अगर आपको एक ड्राई सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस के भाई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट पॉलिटिकल uh, साइंटिस्ट की थ्योरीज क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं क्या आर्टिकल्स हैं किस तरह उनके कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले जाएं पहली बात दूसरी बात जहां तक स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग के ट्रेंड का सवाल है तो 2019 के अंदर आईआर स्लॉटर हुआ बड़ा कम स्कोर आया 2019 के अंदर आईआर में बहुत कम स्कोर आया और मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो शिफ्ट होने लग गए हैं अब पॉलिटिकल साइंस की तरफ कहां पर शिफ्ट हो गए जी पॉलिटिकल साइंस की तरफ अब जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 2021 में पॉलिटिकल साइंस जो है वो लो स्कोरिंग रहे एग्जाम्पल देता हूं बगैर एग्जाम्पल की बात नहीं करता मैं हमेशा कभी भी 2018 2018 में क्या हुआ यूएस हिस्ट्री स्लॉटर हो गया हिस्ट्री में बहुत कम स्कोर आया लोगों का मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट शिफ्ट फ्रॉम यूएस हिस्ट्री टुअर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान 2019 में आप देखें यूएस हिस्ट्री में बड़े रिवॉर्डिंग मार्क्स इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री का बहुत पेपर मुश्किल आया ठीक है जी ये आपके पास सामने आपके एग्जाम्पल मौजूद है यूएस हिस्ट्री की अगेन 2016 हजार सोलह आईआर बहुत मुश्किल पेपर आया 2018 में आईआर में रिवॉर्डिंग मार्क्स तो बच्चों का एक जो कन्वेंशनल विजडम है ना उसके अंदर जरा मसला है वो क्या करते हैं कि अच्छा एक दफा 2019 का रिजल्ट आया अक्टूबर में बच्चों ने देखा अक्टूबर में तो मार्कशीट से फेल कैंडिडेट्स की आती है 2020 के अंदर जो है वो तकरीबन अप्रैल मई में रिजल्ट आया हम लोगों का जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की डीएमसीज आई बच्चों ने देखा भाई टॉपर्स जो है उनकी पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर आए यार में बुरे नंबर आए मेजोरिटी ऑफ द दूडेंट ने सोच लिया कि पॉलिटिकल साइंस लूंगा तो टॉप करूंगा मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए पॉलिटिकल साइंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो देख रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनके पॉलिटिकल साइंस में स्कोर जाता है लेकिन अल्लाह के बंदो ये तो सोचो कि वो पिछले साल का ट्रेंड था इस साल आप जैसी हरकत हर बच्चा कर रहा है तो एक रैशनल चीज है कि पॉलिटिकल साइंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे वहां की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो नॉन स्कोरिंग रहे कभी भी कंजेक्टिव में एक सब्जेक्ट हिट नहीं होता बट अगेन इट्स अप टू यू कि आप साइंस अडॉप्ट करें ना करें आई आर ऑप्ट करें ना करें मैं अगर आपकी आपकी जगह होता तो मैं 2021 के लिए आईआर ऑप्ट करता पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट नहीं करता बट अगेन आपका इंटरेस्ट क्या है कुर्स करंट अफेयर्स है स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी सिनेरियोस न्यूक्लियर पॉलिटिक्स अगर इन सब नेशनलिज्म ग्लोबलाइजेशन फैशिजम अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है देन गो फॉर आईआर और ओवरलैपिंग मैंने आपको आपके सामने दिखा दिए 80% करंट अफेयर्स है फोर्टी यूएस हिस्ट्री है 20% इंटरनेशनल लॉ है ऐसे भी आपके पास है हर साल एक ना एक ऐसे एक से ज्यादा ही बल्कि ऐसे आते हैं और अगर नहीं है तो फिर पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन कर ले सर रहमतुल्लाह ने आपको बताया होगा सो दीज आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ आईआर जो कि मैंने आपको बताए प्रूफ भी किया जी मैंने आपको अब है हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ आईआर कहां से जी प्रिपेयर करें सब्जेक्ट ऑफ आईआर जैसे कि मैं पहले कहता हूं कि ओरिएंटेशन सेशंस में हम आपको हर चीज बता देंगे कहां से प्रिपेयर करें जी आईआर

दूसरी हमारे पास बुक है जी दूसरी जी हमारे पास यहां पर बुक है मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को जी सही आ रही है ना मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई अच्छा चारे चारे ने जी सही है पहली बुक है जी हमारे पास वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो के आ, हमारे पास एक रिकमेंडेड बुक भी है उसको आपने पढ़ना है उसके कुछ चैप्टर्स अगेन मैं आपको बताऊंगा देन दूसरी बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप बाय एच एल पीकॉक इसके अंदर से हम आई आर टू का जो थोरेट आई आर टू का जो हिस्टोरिकल पोर्शन है यानी वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू कोल्ड वॉर इस बुक को कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह देन हम रिसर्च पेपर्स मेरी हमेशा आदत होती है करंट अफेयर्स में भी और आईआर के अंदर भी के मैं हर टॉपिक के बाद आपको रिसर्च पेपर शेयर करूंगा रिसर्च पेपर्स कहां से जी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के और जर्नल ऑफ साउथ एशिया देन हमारी एक और सोर्स होगी रिनाउंड मैगजीन फॉरेन अफेयर्स फॉरेन पॉलिसी या फिर रिनाउंड न्यूज़पेपर्स, पेपर वॉशिंगटन पोस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल इनको हम भी फॉलो करेंगे और इनके आर्टिकल्स जो है वो मैं आपसे के शेयर करूंगा क्या सब चीजों को जो है वो हम फॉलो करेंगे नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं हमारा हर हर महीने के एंड में स्टार्ट में छह से सात तारीख के अंदर अंदर हमारा एक मैगजीन हम पब्लिश करते हैं जिसको हम हम बोलते हैं सीएसएस ऑफ करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन हम जो है वो शेयर कर देते हैं तो आपको अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल अभी देखें कल परसों तक तो हमारे पास आर्टिकल आ जाएंगे आ, अक्टूबर का मैगजीन आ जाएगा तो देखिये मैंने यहां पर आ, कुछ आर्टिकल्स uh, आप लोगों के लिए कंपाइल किए हुए रखे हुए बस को फाइनल फॉर्म देनी है यहाँ पे आपको लिस्ट नजर आ रही होगी देखिए वॉशिंगटन पोस्ट फॉरेन पॉलिसी वॉल स्ट्रीट जर्नल फॉरेन पॉलिसी साउथ एशिया रिकनेक्टिंग साउथ एशिया का देन अगेन फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल विलेज स्पेस बीबीसी फॉरेन अफेयर ऑन फॉरन रिलेशन इन तमाम के आर्टिकल्स आप लोगों को पेपर तक इन द फॉर्म ऑफ सी ब्रेनरी मैगजीन मिलेंगे तो ये टेंशन आपकी खत्म ठीक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप बाय एल पीकॉक रिसर्च पेपर्स मैं शेयर करूंगा के न्यूज वगैरह के कंपाइल फॉर्म में हर महीने में आपको मैगजीन की सूरत में मिल जाएंगे इसके अलावा ये जो दो बुक्स लिखी हुई हैं, इन दोनों को मिला के और कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज में भी मैंने आप लोगों के लिए कॉम्प्रसिव नोट्स बनाए हुए हैं वो जिस बच्चे को चाहिए हार्ड कॉपी में वो भी आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे जी ठीक है जी अच्छा अब ये तो आ गया हाउ टू प्रिपेयर सब्जेक्ट ऑफ आईआर, अब बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ आईआर

एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है uh, Z2 again, आपका थोड़ी कम आ रही आवाज जी टोटल मार्क्स टू हंड्रेड मार्क्स का मैं सब बताता हूं एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि कैंडिडेट डिस्क्राइब द डेटर स्ट्रेटजिक कल्चर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेटरमेंट स्ट्रेटजिक कल्चर एग्जामिनर कह रहा है कि आप आईआर के पेपर में प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं लिखते हैं आप इेलिवेंट फैक्ट्स लिखते हैं वो क्यों क्योंकि सही से समझा हुआ नहीं होता अगर आप मेरी बात करें 2018 के पेपर में मैंने जो स्ट्रेटजिक कल्चर का सवाल अटेम्प्ट किया था वो मैंने पूरा रिसर्च पेपर पढ़ा था हसन अस्करी का वहां से मैंने स्ट्रेटजिक कल्चर का पूरा सवाल अटेम्प्ट किया था तो अगर आपने रिसर्च पेपर्स आपने रिकमेंडेड बुक से पढ़ा हुआ है तो आपको मसला ही नहीं है

तो क्या आप एग्जाम्पल्स को वहां पर अपने आर्गुमेंट्स को सब्सेंशियट करने के लिए यूज कर रहे हैं कि आपने जो भी पढ़ा उसकी आप एप्लीकेशन बता रहे हैं या नहीं बता रहे या सिर्फ स्टेडोटैपिकल थॉट्स लिख कंसर्न अब मैं आपको बताता हूं आई टू का पेपर किस तरह सॉल्व करना आईआर का सवाल आता है जी आई टू का पेपर वन में सवाल आया फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन किस तरह इंप्रूव हो सकते हैं हाउ टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया गिव 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 सम अगर करंट अफेयर का सवाल होता तो हम सिंपल वे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट करके लिख देते यहां पर ऐसा नहीं है यहां पे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है फिर आपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से बताना है या आईआर टू के मैं आपको बात कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल थोरिटिकल सपोर्ट में आपने बताना है आई आर टू में सवाल आता है किस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से किस तरह हम सही कर सकते हैं उनकी रिकमेंडेशंस क्या है फॉर एग्जांपल डिप्लोमेसी है armament, है uh, हम है न्यूक्लियर को करना अच्छा लिबरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से हम किस तरह रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है हम कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट की क्या रिकमेंडेशन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर काम करना है परसेप्शन के ऊपर काम करना है, ठीक है तो इस तरह आपने सवाल अटैम्प करना है जब भी आई आर टू के अंदर आपका सवाल आता है क्योंकि वो करंट अफेयर से मिलता जुलता है इंट्रोडक्शन देन आपने थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव जरूर देना है चाइना यूएस के ऊपर सवाल आ जाता है चाइना यूएस में और और स्पाइरल और और मॉडल इन चीजों की आपने बात करनी है अगर आप नहीं कर रहे नंबर नहीं मिलेंगे वो आईआर का सवाल नहीं होगा वो फिर करंट अफेयर्स का सवाल हो जाएगा आईआर में नंबर नहीं देगा तो इंट्रोडक्शन टिकल पर आपकी मेनिंग सब हेडिंग आजगी फिर क्रिटिकलूजन बट आई आर टू के अंदर जो करेंट अफेयर होते हैं आई आर वन में सवाल आया फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट आपने प्रूफ करना है क्या है जी लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट या रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट आपने प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे हम जो है पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद हम छुरी बताएंगे छुरी के बाद हम छुरी की बेसिक एजम्पन्स बताएंगे छुरी के सैलियंट फीचर्स बताएंगे लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताना चाह रहा हूं मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए मैं अपने नोट्स भी जो आप लोगों को इंशाल्लाह देंगे जो भी हमने बच्चे ज्वाइन करेंगे मैं दिखा देता हूं कि किस तरह आपने लिखना है तो जो नहीं भी कह रहे हैं उनको फायदा हो जाए कम से कम अच्छा जी ये देखे जी अब आपसे क्लासिकल रियलिज्म के बारे में पूछ रहा है तो क्लासिकल रियल पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा फिर क्लासिकल रियलिज्म की डेफिनेशन उसके बेसिक अजम्पन फिर जब आप सेलियंट फीचर्स लिखेंगे ना तो सेलियंट फीचर्स में हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल लिखना मस्ट है ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जाम्पल के बगैर किसी थ्यूरी को प्रूफ करें ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जाम्पल के बगैर कोई छुरी किसी की बात करें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू रियलिज्म आपके सामने लिखा हुआ है Salient features के रूट कॉज क्या होता है किसी भी स्टेट बिहेवियर का उसके साथ मैंने कोई तीन से चार चार एग्जाम्पल आपको दूंगा और वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगी कंटेप्रेरी से या हिस्ट्री से बच्चे गलती यही करते हैं आई आर के अंदर आई आर वन का पार्ट जब सॉल्व करते हैं आई आर वन का पेपर तो एग्जाम्पल नहीं लिखते सिर्फ छुरी लिखकर आ जाते हैं छुरी के साथ रियल लाइफ की हिस्टोरिकल एग्जाम्पल नहीं लिखते देट आप देखें तो उनके नंबर वहां पर कम आ रहे होते हैं अगर आप यहां पर देखें तो मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट के साथ यहां पर मुझे आपके आपको मेरी एग्जाम्पल नजर आएंगी ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल आप देखें कोल्ड वॉर डेवलपिंग कंट्रीज यू आई एन एफ ट्रीटीज आपके पास पी फाइव इन यून यूएस व्यूटो पावर यूएस इंफ्लुएंस ऑन आई एम एफ Again, non Treaty, ये सब है। है? जो मैंने की है, करते उसको के कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं आपका आई आर में स्कोर बहुत अच्छा आएगा अगर आप नहीं कर सकते आई आर वन में आपका स्कोर नहीं आएगा सिर्फ थ्यूरी को डिफाइन करने से

उसका जो बेसिक रीजन होता है टू इंश्योर सर्वाइवल इन इंटरनेशनल एनार्किक सिस्टम तो अब आप उसके लिए एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर किया है तो क्या पाकिस्तान का मकसद पावर को एक्वायर करना था या अपना सर्वाइवल था आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं ठीक है अब न्यू रिलिज्म कहता है कि कोई भी इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंटरनेशनल लेवल uh, uh, के ऊपर जो सिनेरियोज होते हैं मतलब स्टेट लेवल एनालिसिस ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस सिर्फ ग्लोबल ऑफ लेवल ऑफ एनालिसिस इनफ है किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए न्यू रियलिज्म कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो है वो पावर प्रमोट करती है। आप एग्जांपल इसके अंदर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल P5 है परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो कौन है पावर को आपने प्रमोट किया हुआ है

यह या, मैंने जिस तरह नेशनलिज्म की बात की सर्ज ऑफ नेशनलिज्म बात कर सकते तो ये हो गया हमारे पास हाउ टू पेपर ऑफ आई आर थिंग्स टू रिमेंबर जी एग्जाम्पल इन आई आर वन थ्योरेटिकल सपोर्ट इन आई आर टू जार्गन बहुत इंपॉर्टेंट है आई आर की जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना उसकी जार्गन जरूर पढ़ना ठीक है हर सब्जेक्ट की एक जार्गन है आई आर की जार्गन है फॉर एग्जाम्पल टर्मिनोलॉजीज है रियल पॉलिटिक जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी डेलमा स्पायरल मॉडल लेविएथन अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम सिस्टमिटी बायोपोलोरिटी बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रैटेजिक कल्चर स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी रिटेलिएशन तो ये जार्गन भी आपने इस्तेमाल करनी है और वो इनशाला आपको पूरी लिस्ट दे दी जाएगी ग्राफ चार्ट और मैप्स आपने यूज करने किस तरह उसको भी पूरा आपको बताया जाएगा और फिर एंड में क्रिटिकल एनालिसिस

मेजर आर्टिकल्स जो कि आईआर से से और करंट अफेयर्स रिलेटेड है, वो के ई e मैगज़ीन में कंपाइल करके हर महीने आपको मिल जाएंगे पेपर तक टू ग्रैंड मॉक एग्जाम होंगे आई पेपर वन के बाद एक ग्रैंड मॉक एग्जाम लिया जाएगा आपका और आई आर टू के बाद दूसरा ग्रैंड मॉक एग्जाम लिया जाएगा और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी इसके अलावा कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसके उसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर लेंगे चाइना यूएस कोल्ड वॉर मिडिल ईस्ट के ऊपर इंडियन ओशन के ऊपर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स और न्यूक्लियर पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर और इसके अलावा जो भी इमर्जिंग टॉपिक्स हैं इंशाला उसके ऊपर जो है वो हम सेशंस लिए जाएंगे जी अच्छा फीस स्ट्रक्चर मैं पे बता देता हूँ फोर थाउजेंड रुपीज आई आर टू की फीस है जी अगेन फोर थाउजेंड रुपीज ठीक है जी इससे कम फीस नहीं होगी अगेन इट इज एक्सट्रीमली चीप कोई मुझे मैसेज ना करे कि सर कंसेशन कर दें मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं कि आप आई आर वन की फीस पहले सबमिट कर दें और जब हम आई आर टू शुरू करें तो आई आर टू की आप उस वक्त कर दें। जिन लोगों को कॉम्प्रसिव नोट चाहिए हार्ड कॉपी में के नोट हैं जो आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे लेकिन सिर्फ उन बच्चों के हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे जिनको जी सेशन ज्वाइन करना है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है हमारी एकेडमी का आप व्हाट्सएप करेंगे आप अपना नाम बताएंगे मैं आपको अकाउंट नंबर दूंगा फीस ट्रांसफर करेंगे और फिर आपको पेड इंटरनेशनल रिलेशंस के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा दस बारह रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप भी ज्वाइन करें तो इनशाला आप जो है वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोगों को

पूरा सेशन है वो सैटरडे संडे में शिफ्ट कर दूं तो सैटरडे संडे शाम छह से नौ बजे हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्लासेस लें और सैटरडे संडे जो है वो हम अपनी क्लासेस लेंगे ठीक है जी कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे जो है वो हम सिर्फ आईआर की क्लासेस लें किसी को और कोई सवाल पूछना है तो जी काइंडली लिख के पूछ लें सैटरडे uh, संडे हमारी यही कोशिश होती है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमारे न्यू सेशन के चल रहे हैं सितंबर के तो मंडे टू फ्राइडे उनके कंपलसरी सब्जेक्ट सैटरडे संडे 200 मार्क्स का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है हम उसको जो है वो यहाँ पर सैटरडे uh, संडे चलाएंगे और जो भी रखे यूएस हिस्ट्री इंटरनेशनल लॉ जरूर रखिएगा और और तीन दूसरे सब्जेक्ट, sociology, criminology और जेंडर, इन तीनों की आपसे बहुत बहुत है है तो वो आपको हो जाएगा जी। जी सपना खान आप यहीं लिख के होता है, सेशन में करना दो तीन दफा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं उसके बाद से आ, 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 तो सपना आपने सवाल पूछना है तो काइंडली पूछें जी लिख के पूछने कोई मसला नहीं है अच्छा जी आ, मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है किसी ने जो भी है वो जो पूछना है पूछ ले ताकि जो है फिर हम अपने सेशन को यहाँ पर जो है वो एंड करें अच्छा जी काइंडली अपने सवाल यहाँ पे दोबारा लिख दें ताकि मैं आंसर दे पाऊं चैट के ऊपर सपना का कोई सवाल था उसने पूछना था सर आई वांट टू आस्क क्या पूछिए मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं आया मैं क्या कैन ऑपरेट बिल्कुल जी बिल्कुल आप ऑप्ट कर सकती मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था जी कभी भी नहीं रहा बैकग्राउंड आप बड़े आसानी से ऑप्ट कर सकती हैं जो ऑफ इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स एंड द कंटेंपरेरी हैपनिंग्स आप बड़ी आसानी से ऑप्ट कर सकती और इंशाल्लाह द वे आई टीच यू इंटरनेशनल रिलेशंस आप लोगों को कभी भी कोई मसला नहीं होगा ठीक है जी तो आप लोगों को कभी भी कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह अच्छा ठीक है जी सर आई आर वन कितने टाइम में कवर हो जाएगा जोहरा आ, हम कोशिश करेंगे कि आई आर वन आई आर टू दोनों अक्टूबर में इंशाल्लाह कंप्लीट कर दें ताकि वो बच्चे जो हमारे ई एम एस देने जा रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो नहीं जी अब्दुल हफीज ऑनलाइन क्लासेस होंगी जी ऑनलाइन क्लासेस फिजिकल क्लासेस नहीं जी वैसे ही कोरोना बहुत पड़ गया और हमारी अभी तक अकेडमी ऑनलाइन है जी क्योंकि हम ऑनलाइन इसलिए कर रहे होते हैं कि पूरे पाकिस्तान से वो स्टूडेंट्स जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं या जो फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते या जिनके टाइमिंग का इशू है तो उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है नई जी लेक्चर्स विल बी लॉन्ग नहीं जैसा जय कुमार मैंने आपको बताया कि सैटरडे संडे में हम शिफ्ट करेंगे और सैटरडे संडे सिक्स टू नाइन क्लासेस होंगी तो सैटरडे संडे चार क्लासेस आराम से जो है वो हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है अब्दुल हफीज हमारी अकेडमी जी ऑनलाइन है कराची में क्लासेस स्टार्ट है जी आ, हमारी आ, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको नंबर बता देता हूं नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो ट्यूसडे को हो जाएगी या वेटर्सडे को हो जाएगी और फिर हमारी प्रॉपर क्लास जो दो क्लास है वो सैटरडे को होंगी इनशाला जुलकन पार्ट टू आप जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपने मुझसे पार्ट वन नहीं पढ़ा होगा अगर आपने मुझसे पार्ट वन नहीं पढ़ा तो पार्ट टू मुझसे पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं है मैं थोड़ी जितनी अच्छी तरीके पढ़ा से पढ़ाऊंगा कि मैं पार्ट टू को छुरी से कनेक्ट कर पाऊंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा हाँ पार्ट वन आप पढ़ के मुझसे छोड़ सकते हैं लेकिन सिर्फ पार्ट टू मैं अलाउ नहीं करता किसी को भी क्योंकि फिर मुझसे पढ़ने का फायदा नहीं है आपकी छुरीज का पोर्शन ही वीक होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे चले जी थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सी एस एस ग्रीनरी आप सब लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया